नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे कि शुरुआत से किस तरीके से आप आकर्षण के नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझसे कहते हैं दी कोई भी टेक्निक मेरे लिए काम नहीं कर रही है, तो मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा 24 घंटे आपकी ज़िंदगी में काम करता रहता है, चाहे आपको इस पर यकीन हो चाहे आपको इस पर यकीन ना हो, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी ज़िंदगी में शुरू से काम करता आया है, काम कर रहा है और हमेशा काम करता रहेगा। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो हमारी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इफ़ यू वांट टू टेक अ पर्सनल सेशन फ्रॉम मी, जो कि अभी ऑफर में अवेलेबल है, 200 रुपीज़ में 30 मिनट के लिए आपको पर्सनल सेशन मिल रहा है, जिसमें कि आप मुझसे बात कर सकते हो, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो और परफेक्ट गाइडेंस आपको मिलेगी मेरे थ्रू। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, बुक योर स्लॉट्स नाउ। सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब समझना होगा। इसका मतलब है कि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपको मिलेगा, यानी कि अगर आप अपने सपनों को लेके पॉजिटिविटी और विश्वास रखेंगे तो वो सच हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ सिंपल स्टेप्स जो बिगनर्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने के लिए। स्टेप नंबर 1, अपने सपनों का विज़न बोर्ड बनाएं। इसमें आप अपने गोल्स, ड्रीम्स और डिज़ायर को विजुलाइज करें। इससे आप अपने लक्ष्य पे फोकस कर पाएंगे। विज़न बोर्ड कैसे बनाना है, इसका वीडियो की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी, सो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। स्टेप नंबर 2, अफर्मेशन का इस्तेमाल करें। अफर्मेशन पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। रोज सुबह उठकर या रात को सोने से पहले आप अपने माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशन बोलें, मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ, मुझे अपना सपना पूरा करना है। ये होते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट। स्टेप नंबर 3, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। हर दिन ग्रेटिट्यूड जनरल मेंटेन करें और लिखें कि आपके आसपास क्या क्या अच्छा है। इससे आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी और आप चीज़ों को आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हो। स्टेप नंबर 4, विजुलाइजेशन टेक्निक इस्तेमाल करें। अपने सपनों को इमेजिन करें, अपने सपनों को ऐसे देखें कि जैसे कि वो ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। इस टेक्निक से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। स्टेप नंबर 5 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें। अपने आप में विश्वास होना चाहिए कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अपनी ताकत पर फोकस करें, अपनी वीकनेस को ओवरकम करने के लिए मेहनत करें। तो ये थे कुछ टिप्स बिगनर्स के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने के लिए। याद रखें, कंसिस्टेंसी और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर किसी के लिए काम करता है, बस हमें उस पर विश्वास होना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप और जानना चाहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो मेरे चैनल पर विज़िट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप मुझसे पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक छोटा सा फॉर्म है, उस फॉर्म को सिर्फ फिल करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ हमारे विश्वास पे चलती है। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक रखेंगे तो चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ही मिलेंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विचारों को नियंत्रित करना। हमारे विचार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, इसलिए हमें अपने विचारों पर ध्यान रखना चाहिए, नेगेटिविटी से बचना चाहिए और अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक देना चाहिए। ध्यान रखिए, ये एक प्रोसेस है और समय लग सकता है, लेकिन आप इसे नियमित रूप से अगर इस्तेमाल करेंगे तो देखेंगे आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक चेंजेस होने लगे हैं। Thank you for watching. Do like, share and subscribe to my channel. God bless you.